चलो दोस्तों, तो अब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि एंसेबल प्लेबुक के थ्रू किस तरीके से हम लोग AWS में VPC क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि VPC क्रिएट करने के लिए किस तरीके से प्लेबुक राइट किया जाता है और उसका बेसिकली सिंटेक्स क्या है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अभी मेरे पास नॉर्दर्न वर्जीनिया रीजन में कोई भी VPC अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ये जो VPC नज़र आ रहा है ये डिफ़ॉल्ट VPC है। क्लियर, तो चलिए प्लेबुक राइट करने चलते हैं। तो मैंने प्लेबुक का नाम दे दिया VPC.YAML। ठीक है, अब उसके बाद आप सबको पता है क्या आता है, होस्ट आता है। होस्ट में मैंने ऑल पास कर दिया, देन उसके बाद क्या आएगा, टास्क। अब यहाँ पे टास्क पे कौन सा मॉड्यूल को आप कॉल करोगे, VPC EC2 underscore VPC। क्लियर, अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, AWS_access_key, है ना। एक्सेस की कहाँ से लेके आएंगे, यहाँ आ जाइए, यहाँ चलिए और माई सिक्योर क्रेडेंशियल में जाइए, एक्सेस की पे आए और ये जो डिलीट कर देते हैं जो पहले से बना हुआ है, क्रिएट न्यू एक्सेस की, और ये रहा हमारे पास एक्सेस की, मिल गई, परफेक्ट। चल ऐसी सीक्रेट की यहां पे लिख देते हैं, AWS_secret_key, परफेक्ट। चलो ये रही सीक्रेट की, अब उसके बाद क्या आएगा, स्टेट हमने लिखा प्रेजेंट। क्लियर, देन उसके बाद आप यहां पर VPC का CIDR ब्लॉक दे दीजिए, कीवर्ड होगा CIDR_ब्लॉक, और CIDR ब्लॉक यहां पे मैंने दे दिया 172.22.0.0/16, परफेक्ट। उसके बाद आप यहाँ पर रीजन बता दीजिए, कौन से रीजन में आपको VPC बनाना है। तो मैं नॉर्दर्न वर्जीनिया में बना रहा हूँ, तो नॉर्दर्न वर्जीनिया का कोड होता है US-East-1। उसके बाद टैग आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे टैग दे सकते हैं। टैग के लिए आप क्या पैरामीटर होगा, रिसोर्स टैग अंडरस्कोर टैग्स, और टैग यहाँ पर मैंने दे दिया प्रोडक्शन VPC, ये मैंने नाम दे दिया, परफेक्ट। ठीक है, अब मैं सबनेट बनाना चाहता हूं, तो सबनेट के लिए मैंने यहां पर आया सबनेट, सबनेट्स होगा ध्यान रखना। अब सबनेट का CIDR ब्लॉक आपको देना है यहां पर, CIDR, सबनेट का CIDR यहां पे आएगा 172.22.1.0/24। ठीक है, अभी सबमिट कौन से जोन में आपको बनाना है वो जोन आप दे दें एजेड करके, लेकिन यहाँ पे जो जोन देंगे वो इस रीजन के अंदर का ही होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया US-East-1A। ठीक है, परफेक्ट। आप जोन का नॉर्दर्न वर्जीनिया रीजन में अगर आप जोन के जाके कोड देखेंगे तो उनका कोड आपको ऐसे ही मिलेगा, रीजन और फिर 1A, B, C, D, E ऐसे मिलेगा, राइट। अब उसके बाद टैग आप दे सकते हैं, यहां पर भी इस सबनेट पे टैग दे देते हैं, तो मैंने यहां पे टैग्स दे दिया, जैसे नेम मैंने यहां पे बोला web-subnet, परफेक्ट। चलो अब अगला सबनेट क्रिएट करने जा रहे हैं, इसका CIDR ब्लॉक मैंने यहां पर दे दिया 172.22.2.0/24, परफेक्ट। इसे किस जोन में बनाना है वो भी मैंने डिफाइन कर दिया यहाँ पर, इसे बनाना है मुझे US-East-1B जोन में, परफेक्ट। इसे भी टैग हम कर देते हैं, तो ये टैग हमने दे दिया इसे भी, और इससे हमने टैग दे दिया क्या, DB-Subnet, परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे एक और सबनेट क्रिएट कर लेते हैं एज अ जंप सबनेट के लिए, तो तीसरा सबनेट CIDR ब्लॉक हमने दे दिया 172.22.3.0/24, एजेड हमने जोन दे दिया US-East-1C। उसके बाद रिसोर्स
सॉरी जून दिया, टैग दे देते हैं इसमें भी, और टैग इस पे हमने दे दिया जस्ट लाइक जंप सबनेट, क्लियर, परफेक्ट। थोड़ा और आगे चलते हैं इसमें, इतना हो गया ये। अब हमने यहाँ पे बताया कि यार एक ना IGW भी क्रिएट हो जाए, है ना, और इस VPC के साथ अटैच भी हो जाए, तो इंटरनेट गेटवे भी हम क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन गेटवे आपके इसके सीक्वेंस में आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो मैंने यहाँ लिखा इंटरनेट अंडरस्कोर गेटवे ट्रू, तो गेटवे मिलेगा मुझे, अटैच भी कर देगा ये। उसके बाद मैंने यहाँ पर बोला रूट टेबल, मुझे एक रूट टेबल भी चाहिए, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया रूट अंडरस्कोर टेबल्स परफेक्ट। अब रूट टेबल में बनेगा, और मैंने बोला रूट टेबल में सबसे पहले सबनेट एसोसिएट करना, तो मैंने यहाँ पे लिखा सबनेट्स, और बताइए कौन कौन से सबनेट एसोसिएट करने हैं। तो यहाँ पर मैंने बोला पहला ये सबनेट एसोसिएट कर देना, ये वाला /24, उसके बाद दूसरा सबनेट ये एसोसिएट कर देना, ये सारी चीजें उन बंदों को पता होगी जिन बंदों ने AWS को पहले से पढ़ रखा है, ठीक है। तीसरा मैंने बोला ये कर देना, परफेक्ट। तो ये सबनेट एसोसिएशन करा दिया। अब मैंने बोला कि रूट डिफाइन करना है मुझे, उसका कीवर्ड आपको यहां पे देना पड़ेगा रूट्स, और कहां पे भेजना है ये जो सबनेट एसोसिएट है इसको कहां भेजना है। तो यहां पर मैंने बोला डेस्टिनेशन, इस डेस्टिनेशन में भेज दो, ये इंटरनेट का वर्ल्ड वाइड एड्रेस मैंने पास कर दिया। और देन उसके बाद मैंने यहां पे बोला किस गेट से निकालना है ना, तो मैंने बोला GW गेटवे होगा इसका, IGW इंटरनेट गेटवे, परफेक्ट। अब टैग भी आप दे सकते हैं इस रूट टेबल में, चाहे तो टैग आप असाइन कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। चलो वो भी कर देते हैं हम लोग, रिसोर्स अंडरस्कोर टैग्स, तो मैंने यहां पे टैग भी डिफाइन कर दिया production-root-tables, परफेक्ट। तो एक छोटा सा प्लेबुक है जो VPC क्रिएट करेगा, आप दे सकते हैं, बहुत ही इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है प्लेबुक राइट करना। यहाँ पर क्या क्या आपने किया, होस्ट में ऑल किया, ऑल मतलब लोकल होस्ट को पिकअप कर लेगा, EC2_VPC मॉड्यूल का कॉल किया हमने, ये स्टेट प्रेजेंट CIDR ब्लॉक VPC का, रीजन, टैग, ये सबनेट, तीन सबनेट हमने क्रिएट कर रहे हैं, तीनों का अपना अपना टैग हमने दिया, वेब सबनेट, डेटाबेस सबनेट और जंप सबनेट, और ये इंटरनेट गेटवे इसके साथ मिलेगा और अटैच भी हो जाएगा, और एक रूट टेबल, राइट। चलो फिर इसे रन करके दिखाते हैं हम लोग, सेव किया। सबसे पहले मैं AWS पे चलता हूँ, AWS में मैं आपको पहले दिखाता हूँ, कोई VPC अवेलेबल तो नहीं है, दिखा देता हूँ मैं आपको पहले, तो VPC में गया तो कोई VPC अवेलेबल नहीं है, एक डिफॉल्ट VPC बस यहां पर अवेलेबल है, ठीक है। चलिए फिर हम लोग इसको रन करते हैं और देखते हैं भाई एक VPC क्रिएट कर देगा ये production-VPC के नाम का, तो करके देखते हैं फटाक से हम लोग, रन करते हैं यहां पर ansible-playbook-vpc.yaml, डन। तो रन हो रहा है, ये सारा कुछ बनाए गए, फैक्ट्स गैदर कर लिया,
डन हो गया दोस्तों। तो रिफ्रेश करता हूं तो देखिए प्रोडक्शन वीपीसी क्रिएट हो गया। रूट टेबल पे जाइए, देखिए रूट टेबल, सबनेट पे जाइए तो देखिए सबनेट, तीन सबनेट, इंटरनेट गेटवे में जाइए, इंटरनेट गेटवे भी अवेलेबल है, देख सकते हैं ये क्लियर। चलो इसी तरीके से मैं चाहूँ इस वीपीसी को डिलीट करना चाहता हूँ तो कंसोल से तो आप कर ही सकते हो ना, कई बार किया आपने, लेकिन चलो डिलीट करने का भी एक प्लेबुक राइट कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पावर और अच्छी हो जाएगी। तो डिलीट करने के लिए मैंने नया प्लेबुक क्रिएट किया और यहाँ पे नाम दे दिया vpc-remove.yaml। ठीक है, सबको पता है सबसे पहले क्या आता है यहाँ पर, होस्ट ऑल आ गया। ठीक है, टास्क पता है आपको क्या आएगा, ec2_vpc और सबसे पहले क्या आएगा, एक्सेस की सीक्रेट की। तो पहले वाले प्लेबुक से ही कॉपी कर लेते हैं हम लोग, ज्यादा अच्छा होगा। तो vpc.yaml सॉरी ये लो यहां से मैंने उठाया, ये कॉपी यहां पर पेस्ट, परफेक्ट, सिस्टमैटिक कर लेते हैं इसे। चलो अब क्या लिखना है मुझे यहां पर, अब मुझे यहां पर देखिए क्या लिखना है, स्टेट अपसेंट है ना, प्रेजेंट मतलब क्रिएट, तो यहां पर स्टेट अपसेंट लिखा मैंने और देन उसके बाद मैंने यहां पर लिखना है वीपीसी आईडी, कौन सी वीपीसी को रिमूव करना है। तो वीपीसी आईडी ये यहां से वीपीसी की आईडी सेलेक्ट कर लीजिए, ये कॉपी कर लिया मैंने यहां से जो बनाया था और यहां पर पेस्ट। उसके बाद आपको रीजन देना होगा कौन सी रीजन की वीपीसी को डिलीट करना है, तो मैंने बोला US-East-1 और देन उसके बाद मुझे यहां पे बताना पड़ेगा नेम, कौन सी वीपीसी को आप डिलीट कर रहे हैं, तो उसका रिसोर्स टैग आप दे दीजिए यहां पर, ये मैंने बोला टैग जिस पे कौन सा टैग लगाओ, production-vpc का टैग लगाओ। तो बहुत ही इजी हो जाता है दोस्तों अगर आप एनसीबल के थ्रू AWS पर डिप्लॉयमेंट करते हैं, तो देख सकते हैं हमने 6-7 एग्जांपल्स किए और आपको भी फील हो रहा होगा बहुत इजी है, तो इसलिए दोस्तों मार्केट में एनसीबल फेमस है। हाँ, लेकिन आपको पहले एनसीबल का एडमिन लेवल आना चाहिए, राइट, सिंटेक्स वगैरह, तब जाकर आप ये सारी चीज बेटर तरीके से कर सकते हैं, नहीं तो फिर वो बात हो जाएगी रटने वाली की कहाँ पे कौन सी लाइन जा रही है। तो पहले आप बेसिक पढ़ लें, जो सारी वीडियो हमने रिकॉर्ड कर रखी है। तो अब ये देखिए रिमूव कर देगा वीपीसी को, तो ये रिमूव हो रहा है।
डन, तो रिमूव कर दिया इसने। रिफ्रेश करते हैं तो देख सकते हैं दोस्तों बीपीसी रिमूव हो गया। क्लियर, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा कैसे बीपीसी क्रिएट करते हैं और कैसे रिमूव करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त और अगले वीडियो में मिलेंगे बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय।